हेलो एवरीवन स्वागत है आप सभी का बहुत समय बाद वेलकम बैक टू फैंटेसी क्रिकेट प्रो मैं हूं वीरेन हिमरजानी एंड ये नहीं है एक फैंटसी प्रीव्यू इस प्रीव्यू में हम डिस्कस करेंगे साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी में कौन सी टीम्स खेलेंगी क्या है इन टीम्स की स्ट्रेंथ्स वीकनेसेस क्या है एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन एंड कौन होंगे वो एक्स फैक्टर प्लेयर्स जिनके लिए आप सबको वॉच आउट करना है थ्रू आउट द सीजन नॉट ओनली फॉर द गेम बट ऑल्सो फैंटेसी पोटेंशियल के हिसाब से तो इंश्योर करें कि आप रिव्यू तक बने रहे लाइक like बटन जरूर हिट करिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो बेल आइकन जरूर हिट करिएगा एंड रिमेंबर टू ज्वाइन रेट फैंटेसी क्रिकेट प्रो ऑन ट्विटर एंड टेलीग्राम जो लिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में तो जल्दी से जाके जुड़िए एंड अब चलते हैं आज के टीम प्रिव्यूज की तरफ तो ये हमारा आज का एजेंडा एंड विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम लेट्स गेट राइट एंड टू एट तो याद रखिए कि ये जो है टूर्नामेंट खेला जाएगा बिटवीन टेन जैन टू टेन एंड सब मैचेस खेले जाएंगे ये जो छह होम ग्राउंड की चार ओवरसीज प्लेयर्स अलाउड है प्लेइंग इलेवन एंड हर टीम दो बार खेलेगी एक होम एंड एक अवे गेम अगेंस्ट एवरी टीम साउथ अफ्रीका टी ट्वेंटी होगा स्ट्रीम ऑन जियो सिनेमा इन इंडिया ज्यादातर मैचेस हैं नौ बजे एंड कुछ मैचेस हैं पांच बजे तो इस बात का ध्यान रखेगा इस बार आठ बजे होंगे तो ये हुआ एक क्विक इंट्रो अबाउट द टूर्नामेंट चलते हैं सीधा टीम्स की तरफ पहली टीम यहाँ पे आपके लिए एम आई केपटाउन आई थिंक वन ऑफ द स्ट्रॉगर टीम्स ऑफ दिस टूर्नामेंट

एंड वापस जोफ्रे आर्चर पे कुछ अनसर्टेनिटी है कि अवेलेबल रहेंगे या नहीं तो अभी के लिए ओली स्टोन को मैंने उस स्लॉट में डाला हुआ है एंड रायन रिकल्टन लास्ट ईयर ओपनिंग शुरू की थी फिर वहां पे कुछ चेंजेस हुए थे रासी वैंडासन ऊपर गए वेस्टली मार्शल ने भी खेला उस पोजिशन में बट इनकी जो ओपनिंग कॉम्बिनेशन थी लास्ट ईयर कुछ खास सेटल नहीं हुई थी बट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये साल ये इन दो नाम्स के साथ स्टार्ट करेंगे एंड देन प्रॉब्लली फ्लेक्सिबल रहेंगे थ्रू आउट द सीजन तो ये हुई टीम के बाद जो नए जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की बात नए साइनिंग्स की बात की जाए तो टॉम बैंटिन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं ये हो सकते हैं ओपनिंग स्लॉट में स्पेशली पहले कुछ गेम में क्योंकि वैसे भी राशिद अवेलेबल नहीं है तो मे बी वो उस फॉरिनर स्लॉट में एक एक्स्ट्रा ओपनर को खिलाया जाए उसके अलावा जो स्क्वाड है लास्ट ईयर से काफी सिमिलर है आप देख सकते हो ओली स्टोन भी लास्ट ईयर खेले थे डेलानो पॉडगीटर लास्ट ईयर मिडल ऑर्डर में खेले थे पॉसिबल है कि उन्हें भी यहाँ पे स्लॉट मिल जाए प्लेइंग की बात अब चलते हैं केप टाउन के स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की तरफ तो आई थिंक जो इंटरनेशनल एक्सपीरियंस है स्क्वाड में अक्रॉस टीम्स जो बेस्ट टीम टीम है है इन टर्म्स ऑफ इंटरनेशनल एक्सपीरियंस वो यही क्योंकि एक्टिव इंटरनेशनल प्लेयर्स इनके पास है वो भी ऑन फॉर्म बट प्रॉब्लम क्या हो सकती है यहाँ पे इंजरी कंसर्न काफी जो प्लेयर्स है उनकी इंजरीज चल रही है आपने राशिद खान के बारे में सुना होगा जॉफ्रा आर्चर के बारे में सुना होगा जो उनके मेन बोलर्स हैं ऑल्दो इनके पास ऑप्शन काफी सारे हैं सैम करन है इनके पास लियम लिविंग कर सकते हैं कगीज रोबाडा है तो बहुत सारे ऑप्शन अफ्रीकन कंडीशन की अगर बात की जाए तो चाहे ओली स्टोन उस स्लॉट में खेले या जोफ्रा आचर बट जिस तरीके का पेस एंड बाउंड एक्सट्रैक्ट करते हैं फ्रॉम द पिच वो हिसाब से काफी लीथल हो सकती है इनकी ये बोलिंग अटैक वीकनेसेज में इंजरी प्रोन एंड अवेलेबिलिटी कंसर्न्स फॉर राशिद खान ओपनर्स लास्ट ईयर जैसे मैंने कहा एक बहुत बड़ा वीक गैप या रेड फ्लैग आप कह सकते हो थ्रू आउट द सीजन था इनके लिए एंड इनके जो की प्लेयर्स हैं इनके कुछ फॉर्म कंसर्न्स रहे हैं जो मैंने यहाँ पे वीकनेसेज में लिस्ट किए तो अगर आप ये लिस्ट देखो तो राशि का फॉर्म कुछ खास नहीं रहा है सिन लास्ट ईयर उनकी कुछ तकलीफें थी अगेंस्ट क्वालिटी बोलिंग डेवाइ ब्रोएस ऑब्वियसली जो इनका लॉन्गर फॉर्मेट है वहां पे ठीक ठाक किए हैं बट इन दिस एट आई डोंट नो अगेंस्ट क्वालिटी कैसे करेंगे लिविंगस्टन सैम करन हमने देखा है वेस्ट इंडीज सीरीज उसके पहले भी एक आध मैच के अलावा इनका फॉर्म थोड़ा सा कंसर्न रहा है तो ओवरऑल इनका जो साइड है इनके लिए फॉर्म एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा बट मैं कहूंगा कि अगर इनकी टीम वो जो रिदिम है उसको स्ट्राइक कर जाएगी तो वन ऑफ द बेस्ट टीम्स टू वॉच आउट फॉर इन दिस टूर्नामेंट एम आई केपटाउन इज माई फर्स्ट टीम फॉर द डे अब चलते हैं टू द टीम इन येलो सुपर किंग्स एंड पहले चलते हैं उनकी एक्सपेक्टेड प्लेइंग इलेवन की तरफ तो यहाँ पे आपको दिख रहे हैं फैफ डुप्लेसी जो वापस आएंगे इस साल टू तो प्ले की रोल फॉर देम रीजा हेनरिक्स जो हमने देखा है आजकल कुछ ठीक ठाक बॉलिंग भी कर रहे हैं इंडिया के सामने कुछ अच्छी स्टार्ट्स इन्हें मिली थी मोइन अली आई थिंक एक कंसर्न रह सकते हैं ऑन दिस टाइप ऑफ ट्रैक्स हमने देखा है कि स्पिन को बहुत अच्छा खेलते हैं बट जैसे कुछ पेस एंड ऑन ऑफर रहता है तो वहां पे इनकी तकलीफें बढ़ जाती हैं एंड साउथ अफ्रीका में आप ज्यादातर वेन्यूज पे पेस एंड बाउंस ही एक्सपेक्ट करेंगे स्पेशली इन जो इनका होम वेन्यू है लूज डुप्लॉय बहुत अच्छा किया था इन्होंने लास्ट ईयर एक्सपेक्टिंग मोर ऑफ द सेम दोनो मैं फरेरा, राइट हैंड बैटर एंड राइट एम ऑफर अब याद रखिए कीपर भी है एंड ये जो एक्सपेक्टेड प्लेइंग है यहाँ पे मुझे कोई दूसरे ऑब्वियस कीपिंग चॉइस नहीं लग रहे हैं तो हो सकता है कि यहाँ पे ग्लव दोनों ही लेंगे unless and until दूसरे ये दूसरे कोई को खिला लेटर्स पास भी and बिग भी तो आई थिंक ये जो है इस टीम को पकड़ के रखेंगे जो ग्लू है साइड का इन दोनों के बीच बना रहेगा एंड फिर इनकी जो पेस बोलिंग है नंद्रे बगर एंड जुराल कोटिया अक्रॉस डिफरेंट फॉर्मेट जो इंडिया सीरीज हुई थी वहां पे इन दोनों ने अपने टीम के लिए बहुत अच्छी चीजें की थी फॉर साउथ अफ्रीका सो आई थिंक टू यंग बोलर्स टू वॉच आउट फॉर फ्रॉम साउथ अफ्रीका अगर हमें आज के टाइम में पिक करना यही दो है तो अटैक एंड फिर आपके पास दो स्पिनर्स है जो आप लंबे अरसे से देखते आ रहे हो चाहे आप इमरान ताहिर की बात करो या एर फंगीसो की दोनों सालों साल से खेलते आ रहे हैं एंड इन कंडीशन को अच्छे से जानते हैं तो ये अब तक की मेरी प्लेइंग इलेवन बन के आ रही है अब यहाँ से कौन से प्लेयर्स हैं आपको स्क्वाड दिख रहा है कौन से प्लेयर्स है जिन्हें कंसिडर किया जा सकता है टूवर्ड्स इलेवन विन पेस एंड बाउंस अच्छा खेलते हैं हमारे तो तो स्टार्टिंग में सिबोनेलो ने मकनिया लास्ट यह कुछ गेम्स खेले थे बट कुछ खास इन्होंने झलक दिखाई नहीं थी बैटिंग प्राइमरीली एक बैटर है एंड एक फिनिशर का रोल अदा करते हैं ज्यादातर बट आई डोंट नो कहा फिट होंगे ये रॉन एंड हर्मेन एक अपकमिंग प्लेयर है रूकी प्लेयर साइन किए गए मे बी ट्राई किए जाए यहाँ पे फिर आप देखें बोलर में जाहिर खान है तो अब जब इन स्पिन कंडीशन में खेलेंगे जैसे गा जाएंगे या इन वेन्यूज पे जाएंगे पाल जाएंगे जहाँ पे थोड़ा सा स्पिन होगा एट बॉल एंड पार्क तो इन वेन्यूज में मेबी इन्हें चांस मिले सैम कोक एक प्रॉपर पेस बोलिंग ऑप्शन अगर इनको एक फॉरनर कम खिलाना है इन टर्म्स ऑफ विसा या मोइन एंड फंगिसो को हटाना है तो यहाँ पे सैमकुक अच्छे ऑप्शन बन जाएंगे इमीजिएटली है जोहैनबर्ग में यहाँ पे सीधा आ जाएंगे इन प्लेस ऑफ एर इन फंगिस जब अवेलेबल होंगे एज हमें पता है जोहैनसबर्ग में ज्यादा स्पिन नहीं होती तो ये जो टेंथ स्लॉट है वो लिजार्ड विलियम्स को चला जाएगा मे बी इवन फ्रॉम द फर्स्ट गेम अगर वो फिट रहे तो यहाँ आपके पास दिख रहे हैं तीन साउथ अफ्रीकन प्लेस नंदरी बर्गर जलाल कोर्टिया एंड लिजार्ड विलियम्स आई so, थिंक एक टॉप पेस अटैक है इनके पास काइल स्पिन कंडीशन में खेल सकते हैं डैन गैलियम एक और अच्छे पेस ऑप्शन मोइन वीसा की बात हम कर चुके हैं तो ये हुई ज्वाइनिस बर्ग सुपरकिंग्स के प्लेइंग इलेवन स्ट्रेंथ ऑब्वियसली गन पेसर्स मोस्ट एक्सपीरियंस स्पिनर्स इन साउथ अफ्रीका ऑल्सो इनके पास है मल्टीपल ऑलराउंडर्स जिस लास्ट ईयर हमने देखा था सिक्स सेवन बोलिंग ऑप्शन में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहे थे बट यहाँ पे इनके पास अब ऑप्शन है एंडरा एंड में बहुत ही हाई पोटेंशियल प्लेयर्स है ये ऐसे प्लेयर्स है हैं 200 प्लस के स्ट्राइक रेट से चलते बनेंगे वीकनेसेस फॉर्म कंसर्न्स ऑब्वियसली यहाँ पे आपको दिख रही है एंड मोर देन दैट ये जो स्टार्टिंग इलेवल में ऐसे बहुत सारे प्लेयर्स हैं जो ऑन द सर्किट इतने एक्टिव नहीं रहे फैफ की बात करें मोइन की बात करें मोइन भी आउट ऑफ फेवर चले गए फ्रॉम सर्टन इंग्लैंडलीशनल क्रिकेट नहीं खेल रहे टेस्ट रहेगा फॉर द की प्लेयर्स एंड बहुत सारे हिट एंड मिस प्लेयर्स है जो इस मिडल ऑर्डर को फ्रेजाइल बना सकते हैं क्योंकि ये बहुत सारी पिचेस जो होंगी बोलर सुटेड होंगी तो यहाँ पे आप देख सकते हो चाहे वीसा हो फरे हो जब चलेंगे तो बहुत ही अच्छा करेंगे बट जब नहीं चलेंगे तो मोइन वीसा फर आप में आपको कोई भी स्टेबिलिटी नहीं दिख रही इस ऑर्डर में स्पेशली अगर फैफ और रीजा की ओपनिंग पारी जल्दी टूट गई सो दैट विल बी अ बिग कंसर्न तो ये वो ज्वाइनिसबर्ग सुपर किंग्स की बात आई थिंक एक अच्छी टीम है एंड जिस टाइप की कंडीशन ये फेस करेंगे ज्वाइनिसबर्ग में गुड बैटिंग कंडीशन तो अच्छा करना चाहिए इन्हें वहां पे स्पेशली रिमेम्बर टू ज्वाइनस एट द रेट फैंटेसी क्रिक्रॉन ट्विटर एंड टेलीग्राम जो भी फाइनल टीम्स है अपडेट्स है सब कुछ आपको वही पे मिलता रहेगा सो डोंट फॉरगेट टू ट्यून इन लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब लाइक ऑलवेज इन माई मास्ट इलेवन एक्सचेंज साइन अप करना मत भूलेगा माय मास्ट इलेवन पे बहुत सारे एक्सक्लूसिव ऑफर्स होंगे सिर्फ आपके लिए अगर आप साइन अप करोगे हमारे लिंक के साथ हमारा रेफर कोड है एफ इन दोनों एप्स पे तो जल्दी से साइन अप करिए ऐप के करिएिंक्स है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अब चलते हैं डर्बन सुपर जॉइंट्स की तरफ ये जो टीम है काफी इंटरेस्टिंग है लास्ट ईयर फैंटेसी प्लेयर्स के लिए इन्होंने एक हेडेक क्रिएट कर दिया था क्योंकि इतने सारे बॉलिंग ऑप्शंस थे इनके पास इन दिडल मिडल ऑर्डर ऑर्डर आता इन द मिडल इन ये साल भी कुछ ऐसा ही हिसाब है इनका तो क्विंटन डेकॉक आई थिंक अगर एक प्लेयर है जो नहीं बोलिंग करेंगे वो पक्के से वो होंगे क्विंटन डेकॉक काइल मेयर ओपन द बोलिंग बहुत गेम्स में बोलिंग इन्होंने ओपन की इन द लास्ट ईयर वो स्विंग एक्सप्लॉय करने जो इन्हें मिलती है एंड अटैकिंग बैटर मैथ्यू ब्रेजकी डिजोजी में खेलेंगे इंडिया सीरीज में बहुत अच्छा किया ने साउथ अफ्रीका जो टी ट्वेंटी टीम था अगेंस्ट इंडिया वहां पे स्टार्ट किया एज एन ओपनर तो पॉसिबल है की ब्रेचकी को यहाँ पे फर्स्ट प्रेफरेंस दिया जाए क्लास राइट हार्म ऑफ ब्रेक प्लस हमने इनके भी कुछ राइट हर्म ऑफ स्पिनर्स देखे थे निकलेस पुरान लेफ्ट लेफ्ट हैंड बैटर जे जे स्मार्ट जो आ रहे हैं फ्रॉम ईस्टर्न केप ये पहले वहां थे अब यहाँ पे ट्रेड कर दिए गए भानुकर राजोपक्सा भी खेल सकते हैं एज एन एक्स्ट्रा फिर है आपके पास ड्वेन प्रिटोरियस बी मोल्डर दो क्वालिटी ऑलराउंडर्स जो बैट के साथ भी आपको पूरी वैल्यू दे सकते हैं हिटिंग कर सकते हैं बोलिंग के साथ भी आपको वैल्यू दे सकते हैं स्पेशली ड्वेन प्रिटोरियस क्योंकि ये ऑल फेस टाइप ऑफ बोलर है एंड बी एन ऑब्वियसली जब अप्रंट हेल्प होती है तो ज्यादा यूज होते हैं केशव महाराज लीडर ऑफ दिसम स्पिनर ओडिया रैंकिंग जो ऑब्वियसली अगर इंजरी इनका इनको सपोर्ट करे एंड यहाँ पे इनको कोई इश्यू ना हो तो ये सारे मैचेस में इंपॉर्टेंट रहेंगे स्पेशली इन द डेथ क्योंकि यहाँ पे आपको दिख रहा है की डेथ बोलेंगे कंसर्न होगा एंड जूनियर डाला स्पेशली जब तक नवीन उलक वापस आ जाए आई थिंक वापस एक की रोल अदा करेंगे सो so ये हुई डर्बन सुपर जॉय के एक्सपेक्टेड इलेवन की अब आप यहाँ पे आप देख सकते हो स्क्वाड में बहुत सारे नाम काइल एबर्ट बनूकर राज्य पक्सा कीमो पॉल कुछ गेम्स खेले थे इन द लास्ट ईयर प्रनल इन सुब्राइन जो कंडीशन स्लो होंगी वहां पे ये काम आएंगे क्योंकि बहुत ही अच्छे रिस्ट्रिक्ट स्पिनर है स्ट्रेंथ की बात की जाए तो पावर पैक बैटिंग है इनके पास आप इनकी टॉप देखो क्लासिन है इनके इनके पास पूरा इनके पास है है ये नेम्स नेम्स से से आप आप डरते डरते हो हो आईपीएल में भी इन नेम्स से हो। तो यहां पे जब एक लेवल थोड़ा सा लोअर ऑपोजिशन बोलिंग का तो इनका काम बहुत ही अच्छा बन सकता है बहुत सारे यार ऑप्शन जैसे इनके पास लास्ट ईयर भी थे इन डबिन में हमने देखा है कि पिचेस कभी कभार जब स्लो भी होती है वहां पे भी उस सिनेरियो को कवर करने के लिए इनके पास केशव महाराज एंड सुब्रायन जैसे

एंड लैक ऑफ रॉ पेस एंड ऑप्शन मैंने कहा नहीं, कोई नहीं इनके पास, पेसर भी इनके पास कोई नहीं है जो आपको देखिए डालते हुए जो इन्हें बिल्कुल लगेगा फॉर सच काइंड ऑफ कंडीशन सो ये ऐसी टीम है जो इनको लगाने पड़ेंगे बहुत सारे रन हर गेम में नहीं तो इनको दिक्कतें बिल्कुल आएंगी तो ये हुई डर्बन सुपर जाइंस की बात अब चलते हैं पाल रॉयल्स की तरफ क्लासी टीम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं जॉस पटल जेसन रॉय अप टॉप एंड लवर जो है लेफ्ट हैंड बैटर हैं, कुछ स्पिन भी डाल लेते हैं डेन विलास डेविड मिलर फेबियन एलियन को साइन किया इन्होंने इस साल राइट हैंड बैटर हैं बैट हैं। प्लस स्पिन भी डाल लेते हैं एंड डेली पेपलुक वायो लेफ्ट हैंड बैटर एंड हैं बैट हैं। फास्ट मीडियम थोड़ी अच्छी खास चेंजअप है इनके पास एविन जोन्स वन ऑफ माई प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर दिस ईयर एंड बजॉन फोर्टेन ये जो वापस एक बहुत ही अच्छे रिस्ट्रिक्टिव स्पिनर है एंड जो टर्निंग कंडीशन है बोलर, आप ऑलरेडी इनको जानते हैं इनके लिए आपको कोई इंट्रोडक्शन नहीं लगेगा तो ये हुई प्राइमरी इलेवन की स्क्वाड आई डोंट थिंक की इनकी इलेवन ज्यादा बदलेगी बेस्ड ऑन कंडीशन मे बी वो एक ही स्लॉट होगा बिटवीन फोर्टेन एंड एक ठीक ठाक ऑप्शन है उनकी वहां पे मिचिल वैन ब्यूरो ने एक ठीक ठाक चॉइस है कुछ बड़ी हिट लगा सकते हैं तो फिनिशिंग ऑर्डर में अगर इन्हें ज्यादा बैटिंग डेप चाहिए तो ये एड ऑन हो सकते हैं फिर इन, इन्होंने प्रेटोरियस को साइन किया एक रूकी प्लेयर जॉन टर्नर बहुत ही अच्छे अच्छी बॉलिंग करते हैं इनके पास वो पेस है बट प्रॉब्लम होगा कि इन्हें आप कहां पे फिट इन करोगे मे बी मैकॉय के जगह पे इन्हें ट्राई किया जाए एज जैसे मैंने कहा चेंज अप्स आई डोंट नो कितने इफेक्टिव होंगे में बट पेस को बिल्कुल असिस्टेंस मिलेगी सो आई थिंक जॉन टर्नर को अगर मैं होता है इस सिचुएशन में तो आई वुड स्टार्ट इन द टीम विद जॉन टर्नर इन प्लेस ऑफ और मैकॉय ये मुझे लग रहा है इनका काम अच्छा बन सकता है यहाँ पे उसके अलावा कोडी यूसुफ में ठीक ठाक पेसर है इनके पास एंड प्लेयर्स को हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं तो पाल रॉयल्स की एक्सपेक्टेड हुई। ये ऑब्वियसली बेस्ट ओपनिंग ऑफ टूर्नामेंट रॉय बटलर से आपको अच्छे नहीं मिलेंगे सो क्या हो जाएगा कि एक एंड से अगर फोर्टीन रन पकड़ के रखते हैं दूसरे एंड से आपको शामजी विकेट्स लेते हुए देख सकते हैं इवन इफ The economy rate is slightly higher. Finishing order mein obviously bahut sari explosiveness and potential. hai Miller mein aapke paas ek experience finisher hai and Jones and Fabian Allen mein दो top class potential finishers. Especially Evan Jones थोड़े से नए हैं Fabian Allen को तो हमने फिर भी देखा हुआ है finishing games. Fragile middle order है थोड़ी सी यहाँ पे आप देख सकते हो. क्योंकि विलास इतना नहीं खेलते लवर को हमने उतना नहीं देखा लवर को एंड एंडल फैलक हुआ है मुझे लग रहा है कि बैटिंग थोड़ा एक आध नंबर जल्दी खत्म हो रही है तो मे बी स्पेशली टफ पिचेस थोड़ा सा तकलीफ हो सकती है स्पेशली जो दिनों पे ओपनर्स ना चले अब मिडल ऑर्डर में इतना एक्सपीरियंस नहीं देखते एक्सेप्ट मिलर डेथ बोलिंग एक बहुत बड़ा ग्रे एरिया है क्योंकि इनके पास कुछ खास एक्सप्रेस पेस नहीं है एंड जैसे मैंने कहा है अक्रॉस टीम स्टिल नाउ

Bosch, जो, जो, जो होंगे बहुत क्रूशल मे बी विद फ्यू हिट विद बट मोर देन दैट विथ इज बोलिंग आदिल रशीद जो वापस एक इंपॉर्टेंट रोल खेल सकते हैं इनके लिए इस साल में बेस्ड ऑन द ग्राउंड जहां पे ज्यादा थोड़ी सी टर्न मिले मिगेल प्रिटोरियस एंड एनरिक नोकिए जिनकी अवेलेबिलिटी वापस एक बहुत बड़ी कंसर्न है उस लॉर्ट में स्टार्ट कर सकते हैं बॉश भी जिन्हें हमने देखा था तो एक वेल राउंडेड फर्स्ट टीम यहाँ पे आपको देखने को मिल रही है एंड ऑब्वियसली एक ठीक ठाक नंबर के बोलिंग ऑप्शन यहाँ पे एक बड़ा नेम जिनों जिनको मैंने अब तक नहीं इंक्लूड किया वो है कॉलिन इंग्रम ऑब्वियसली साउथ अफ्रीकन लोकल प्लेयर तो आ सकते हैं इन द स्लॉट ऑफ डेब्रून और इन द स्लॉट ऑफ बॉश अगर ये एक बॉलर कम के साथ जाना जाए सो तो टोटली डिपेंड्स ऑन द टीम स्ट्रैटेजी उसके अलावा अगर एनरिक नोके नहीं स्टार्ट करते तो इनके पास एक बहुत ही एक्सप्रेस पेसर है डेर डुपन अब प्रॉब्लम क्या इनके साथ पेस तो बहुत है बट एक्यूरेसी एक कंसर्न रहा है हमने सीपीएल में भी देखा है इनके साथ सो आई थिंक स्टार्ट देना इन्हें बनता है क्योंकि जिस तरीके की बोलिंग करते हैं एक्स एक एक फैक्टर बन के आ सकते हैं इनके लिए उसके अलावा मैथ्यू बोस्ट को साइन किया इन्होंने बहुत पैसे देकर गुड बैटर थोड़ी अच्छी पेस बॉलिंग भी कर लेते हैं सो ऑफ कोर्स इन्हें भी यहाँ पे मौका मिल सकता है इन द स्टार्टिंग बाकी प्लेयर्स में भी उतना जल्दी ना स्टार्ट करें सैनूर सैमी जो कंडीशन में स्पिन होगा वहां पे इन्हें मौका मिल सकता है तो इन प्लेयर्स के लिए बिल्कुल वॉच आउट करिएगा फ्रॉम द स्क्वाड प्रिया कैपिटल्स की बात की जाए तो एक पावर पैक टॉप ऑर्डर है यहाँ पे आप टॉप फोर या फाइव जब देखते हो यही आपको स्ट्राइक होता है कि बहुत सारी पावर है इनके पास बट उसके अलावा मुझे इस टीम में कंसर्न ज्यादा लग रहे हैं एज इनके पास

Jimmy also, आप देखते हो वर्ल्ड, बट इन एंड आउट ऑफ द टीम रहते हैं कंसिस्टेंटली हमने नहीं देखा है एंड रायली भी ऐसे प्लेयर नहीं है जो गेम पकड़ के रखते हैं या तो ये पूरे चलेंगे या तो ये बिल्कुल नहीं चलेंगे so that is the problem, and मुझे लग रहा है कि मिडिल ऑर्डर इनके लिए एक प्रॉब्लम बन सकती है एंड डोमेस्टिक स्पिन ऑप्शन पास बिल्कुल भी नहीं है तो दीजा चमकी कंसर्न विद पेटोरिया कैपिटल्स एंड नाव फॉर द बिग थीम सनराइजर्स ईस्टर्न केव सबने सबको सबने इनको बिल्कुल अंडरेट करके रखा था इन द लास्ट ईयर बट बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करके निकले थे ये दे बबूमा के बारे में सुन रहा हूँ की मे बी ये टूर्नामेंट में ना अवेलेबल रहे डेविड मलान आ सकते स्लॉट में जॉर्डन हर्मन बहुत इंप्रेस किया था लास्ट ईयर एडन मार्क्रम ट्रिस्टन स्टार्ब्स मार्को यानसिन कोई इंट्रोडक्शन नहीं चाहिए आपको इन प्लेयर्स के लिए लियम डॉसन अब ग्वेकोबा में हमने देखा था कि कुछ स्पिन थी रोल ऑफ बैंडम हो अगर आप जाके स्कोर कार्ड देखोगे लास्ट ईयर के तो सेंट जॉर्जेस पार्क ग्वेकोबा जो इनका होम ग्राउंड है वहां पे रोल ऑफ वैंडमोवा ने एक के बाद एक गेम में बहुत अच्छा किया था तो लियम डॉसन पे वो बाहर बिल्कुल आएगा सिसाना मगाला जो डेथ में बहुत यूजफुल है डैनियल वॉरल जो साइन हुए हैं एज रिप्लेसमेंट इन प्लेस ऑफ ब्राइड एंड कास्ट अब डैनियल वॉरल या क्रेग ओवरटन खेलेंगे वापस क्रेग ओवरटन की अवेलेबिलिटी सर्टन नहीं है तो इस में अभी के लिए डैनियल वॉरल साइमन हामर या आया बुलेला साइमन या एक स्पिनर वाइल ने पेस्ट डाल लेते हैं एंड में आपके पास एक और डेथ ऑप्शन सो बहुत सारे ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे बेस्ड ऑन हाउ यू वांट टू यूज देम एंड बेस्ड ऑन द कंडीशन स्क्वाड की बात की जाए तो कौन से प्लेयर्स के लिए आपको वॉच आउट करना है सारे लोवी अगर आपको थोड़ी सी बैटिंग स्टेबिलिटी चाहिए ये एक अच्छे ऑप्शन बन सकते हैं कैलिप से लेकर थोड़ा स्पिन डाल लेते हैं बिल्कुल इन्हें ट्राई किया जा सकता है ब्राइडन कास्ट नॉट अवेलेबल क्रेग ओवर थोड़ा फिफ्टी फिफ्टी है बेयर्सोल वापस ए, 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 एक एक्स फैक्टर प्लेयर है इन्हें भी कुछ पैसे दिए गए टू साइन साइनम अप एंड पेस ऑलराउंडर है तो यहाँ पे भी इन्हें ट्राई किया जा सकता है मे बी इन द स्लॉट ऑफ साइमन हामाइन को अकेमेन है इन्हें लाया जा सकता है तो ये की प्लेयर्स टॉम एबल भी एक अच्छे प्लेयर हैं Ability आपको देते हैं, but majorly more of batting, तो इनके लिए भी बिल्कुल करेगा इन द मिडल ऑर्डर अगर इन्हें थोड़ी स्टेबिलिटी चाहिए तो आप देख सकते हो, Tom Abel का नाम स्टार्टिंग इलेवन तो स्ट्रेंथ की बात की जाए द मोस्ट टैलेंटेड साउथ अफ्रीकन प्लेयर्स ऑन द सर्किट आप स्टब्स की बात करो या यां माक्रम ये जो प्लेयर्स है आई थिंक अगले सात आठ दस साल जो चलेंगी साउथ अफ्रीकन क्रिकेट यही नाम है जो टीम को पकड़ के रखेंगे जो मेन टीम है साउथ अफ्रीका की एक टॉप ऑर्डर है इनके पास जिनमें एक के बाद एक डायनामिक प्लेयर्स है डेविड मलान जो दिन पे इनको आराम से खेलना है आराम से खेलेंगे जो दिन पे एक्सिलरेशन जरूरी है एक्सेलरेट करेंगे सेम फॉर एडन माक्रम सेम फॉर यहाँ पे आपको देख रहे हैं जॉर्डन हॉमिन ज्यादा आपने मे बी नहीं सुना हो इनके बारे में बट बहुत ही अच्छे प्लेयर है तो कुछ प्लेयर्स है आपके पास यहाँ पे जो एकदम गियर्स चेंज कर सकते हैं बेस्ड ऑन रिक्वायरमेंट Weaknesses की बात की जाए तो ऑब्वियसली ये लास्ट ईयर भी एक कंसर्न था इनके लिए कि बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको इतना सारा इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं मिला है एंड तो ये साल इनके पास कोई रिस्क नहीं है तो एक्सप्लॉय टर्निंग कंडीशन एट ग्वेक सिर्फ फिंगर स्पिनर्स है इनके पास अवेलेबल सो मे बी एक कंसर्न हो सकता है मे बी आपको रिप्लेसमेंट साइन अप देख लो एंड बैटिंग डेप नहीं है क्योंकि विद लियम डॉसन एट एंड मार्कोन आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं मिलता है यहाँ पे मे बी एक एक्स्ट्रा बैटर ये एड कर ले टू एड टू द बैटिंग डेप्थ इन प्लेस ऑफ द स्लॉट नंबर टेन तो 10. So ये हुई सनराइजर्स ईस्टर्न केप की बात वापस एक अच्छी टीम एंड ये हुई टॉप छीम्स हमारी इस स्पेसिफिक सीजन की एक बहुत अच्छा सीजन यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड ये कुछ एक्स फैक्टर प्लेयर्स फॉर मी टू वॉच आउट फॉर दिस सीजन बेयस स्वेपनियोल मैथ्यू बोस जॉर्ड एन हर्म एंड एविन जोन इन प्लेयर्स के लिए बिल्कुल वॉचआउट करेगा आई थिंक यू कैन एक्सपेक्ट बिग थिंग्स फ्रॉम ऑल ऑफ दिटेल्ड इनसाइट्स नहीं सुने इन सारे प्लेयर्स पे तो बिल्कुल रिवाइंड करके सुनिएगा जल्दी मिलेंगे फॉर एन अदर प्रिव्यू आई होप वेरी वेरी सून थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन एंड थैंक यू सो मच फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट डू हिट द लाइक बटन एंड डू शेयर एंड सब्सक्राइब